अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ना जिंदा किचन में आज हम बनाएंगे सिंपल राइस पुलाव। राइस पुलाव बनाने के लिए 5 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ऑयल को हम हल्का सा गर्म कर लेते हैं और यह रेसिपी हम कुकर में बनाने वाले हैं और इसमें हम शामिल करेंगे 1 अदद प्याज, इसे बारीक काट लिया है। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इसमें हमने ना तो चिकन शामिल की है और ना ही कोई बीफ या मटन। आधी प्याज मैं निकाल लूँगी, प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। और इसमें हम शामिल करते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, ये 1 टेबल स्पून है। साबुत गरम मसाला शामिल करेंगे, इसमें काली मिर्च, लौंग, बादियाने का फूल और 1 अदद तेज़पत्ता है और थोड़ी सी जायत्री। तमाम अज्जा को हम भून लेते हैं हल्का सा और पुलाव ज़ीरा 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे। 1 अदद चिकन क्यूब्स शामिल करते हैं। पानी 1 गिलास इसमें डाल देते हैं। 1 गिलास पानी इसलिए लिया है क्योंकि चावल भी 1 गिलास है और उनको मैंने 1/2 घंटे पहले भिगो दिया है। नमक हसबे जायके शामिल करेंगे। चिकन क्यूब्स में भी नमक होता है इसलिए इसमें नमक हम कम ही डालेंगे। केवड़ा ऐसे शामिल कर देते हैं 2 से 3 ड्रॉप। पानी में उबाल आने लगा है। अब इसमें हम शामिल करेंगे चावल, ये बासमती राइस है, इसको मैंने 1/2 घंटे पहले भिगो दिया था। अगर आप चावल 20 मिनट पहले भिगोएंगे तो इसमें आप 1/4 गिलास पानी शामिल करेंगे और अगर इसे हम 1/2 घंटे पहले भिगोएंगे तो इसमें 1 गिलास ही पानी शामिल करेंगे। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ये सिंपल बहुत मज़ेदार लगती है। चावल में उबाल आने लगा है, अब मैं कुकर का ढकना कवर कर देती हूँ और इसको हम तकरीबन 6 मिनट तक पकाएंगे। 3 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पर और 3 मिनट के लिए लो फ्लेम। 6 मिनट के बाद कुकर का ढकना मैंने खोल दिया है और इसमें शामिल करेंगे ज़ाफ़रान ली थी, इसको भिगो दिया था, ये शामिल करते हैं। 2 से 3 अदद हरी मिर्च बारीक काट ली थी और इसमें हम थोड़ा सा पिसा हुआ गर्म मसाला भी शामिल कर देते हैं और इसको 1 मिनट के लिए कवर कर कुकर में फिर से रख देंगे। 1 मिनट के बाद राइस पुलाव हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये इतना मज़ेदार बनता है कि जब आप बनाएंगे तो इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। बस अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। इसे आप सिंपल रायते के साथ सर्व करें और इसे अगर रायता ना हो उस वक्त भी सर्व कर सकते हैं, ये वैसे भी बहुत मज़ेदार लगता है। मैं अपने घर में अपने बच्चों के लिए अक्सर ये रेसिपी बनाती हूँ। इस पर हम प्याज शामिल कर देते हैं जो हमने फ्राई करके आधी निकाल ली थी। आप देख सकते हैं चावल हमारे बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुए। तो दोस्तों, ना जिंदा किचन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।